सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक बात जान लो, आज का दर्द कल की जीत है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनी कभी नजर नहीं आती। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए कि उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी। जिंदगी में हुई मुश्किलें भूल जाओ पर उनसे मिली शिक्षा कभी नहीं भूलना। आज का पंचांग 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 9:51 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र दोपहर 2:11 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:35 से 11:40 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कन्या राशि पर ही रहेंगे। कुंभ राशि 13 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार, अपने पिता या बॉस के साथ किसी मतभेद के कारण आपकी यात्रा की योजनाएं रद्द हो सकती है। अपने दोस्तों और पड़ोसियों का समर्थन करें, उन्हें अभी आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। किसी क्लास या प्रशिक्षण में नामांकन की वजह से आपके करियर में दिलचस्प संभावनाएं होगी। आज भावनात्मक प्रतिबद्धताएं महसूस होगी। धन और अन्य कीमती सामान आपको अधिक आकर्षित करेंगी, इसीलिए आय व्यय और रोमांस आपकी प्राथमिकता रहेंगी। जीवन को निष्पक्ष रूप से देखने की कोशिश करें और इस पर ध्यान दें कि आपके पास क्या है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदले इरादे नहीं। आज आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके सभी प्रयासों में भाग्य आपके साथ देगा। आपको पता है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। अभी तक आपका भाग्य आपके साथ नहीं था, लेकिन आज आप अपनी समर्पण की बदौलत कुछ भी हासिल कर पाएंगी। जरूरत से ज्यादा खाने से बचें। जरूरत से ज्यादा खाने से बचें और सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। जिन लोगों ने किसी से उधार लिया है उन्हें आज किसी भी हालात में सुधार चुकाना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। परेशानियों को हल करने में आपका बच्चों जैसा महसूस, पारिवारिक परेशानियों को हल करने में आपका बच्चों जैसा मासूम बर्ताव अहम किरदार निभाएगा। प्यार मोहब्बत के लिहाज से दिन थोड़ा मुश्किल रहेगा। आपके पास आज अपनी क्षमताओं को दिखाने के मौके होंगे। आज आप कोई नई पुस्तक खरीद कर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा नहीं गुजार सकते हैं। अगर आपके जीवन साथी का मन खिन्न है और चाहते हैं कि दिन अच्छा गुजरे तो चुप्पी साधे रहें। आज का दिन सुप्ता भरा रहेगा। पारिवारिक तथा सोसाइटी संबंधित गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। युवा वर्ग अपनी कार्य क्षमता और योग्यताओं को पहचानेंगे। समय आपके लिए बेहतरीन उपलब्धियां तैयार कर रहा है। धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था भी रहेगी। लोगों की प्रशंसा की वजह से काम को गंभीरता से लेंगे। जीवन में मौज मस्ती बनी रहेगी। आप अपने कर्तव्यों को भी निभाएंगे। मित्रों के साथ अधिक समय बिताएंगे। परिवार के लोगों को अकेलापन महसूस न हो। जो आपने निर्णय लिया है उसी से जुड़ा कोई अवसर मिलेगा। काम से जुड़े दस्तावेज संभाल कर रखें। आपके स्वभाव का गलत फायदा पार्टनर के द्वारा न उठाया जाए, इस बात का ध्यान रखें। शरीर को डिटॉक्स करने की आवश्यकता है, ध्यान रखें। सावधानियां, प्रैक्टिकल बने रहें तथा दूसरों की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें। आपको तरक्की करते हुए देख कुछ लोगों में जलन की भावना जागृत हो सकती है। आप इस सब बातों को नजरअंदाज करके अपनी स्वभाव में सहजता बनाकर रखें, जिससे आपकी साख में कोई कमी ना आए। बात करते हैं लव लाइफ की। दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आपके निजी संबंधों में आपके पार्टनर की खुशी और हंसी की रौनक बिखरी रहेगी। आपने अपनी निजी जिंदगी में मुश्किल दौर देखा है, इसीलिए अब आपको अपने पार्टनर के साथ घूमना फिरना और उनके साथ होने का आनंद लेना चाहिए।
एक कपल के रूप में खुद पर एक साथ हंसने से आपकी सारी चिंताएं एक साथ गायब हो जाएगी। परिवार का महत्व आपसे अधिक और कोई नहीं जानता, क्योंकि परिवार ही आपके लिए सब कुछ है। ऐसे में किसी खास के लिए समय निकालें और उन्हें प्रभावित करने के लिए कोई भी कसर न छोड़ें। सहयोगियों और पड़ोसियों से विवाद से बचें। आज आप रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। आप अपने साथी की ओर आकर्षित महसूस करेंगे और या आकर्षण या संबंधित या किसी अन्य गतिविधियों को लेकर भी हो सकता है। रोमांस आपकी प्राथमिकता है और इसीलिए अपने साथी से भावनात्मक और कामुक संतुष्टि की इच्छा होगी। अपनी इच्छाओं को दबाने की जगह अपने साथी से शेयर करें। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह संबंधित कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। बात करते हैं करियर की। आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और अपने सपनों का पीछा करने के साथ आप सुनियोजित तरीके से अपनी चीजों को रखते हैं। दूसरे इस तरह नहीं है, लेकिन दूसरों को ये ना बताएं और समय पर सब छोड़ दें। इस भावना को त्याग दें, अन्यथा लोगों को ये गलतफहमी होगी कि आप उनके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अपने रोजाना के शेड्यूल से समय निकालकर भाई बहन की परेशानियों या पड़ोसियों की समस्याएं सुलझाने के लिए समय निकालें। कला लेखन विश्लेषण के क्षेत्र में आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, इसीलिए इस ओर अधिक ध्यान दें। आज चिंता से बचें और अपना पूरा ध्यान अपने काम की ओर लगाएं। आज धन से जुड़े मुद्दे आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आज अपने अनुभवों की आवश्यकता महसूस कर सकती हैं, जो आपके अस्तित्व को नया अर्थ दे सकती हैं। अपने दिमाग को खुला रखें और जो आपके पास है उसमें ही संतोष करें। एक बात हमेशा याद रखें कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। कारोबार में ऑनलाइन गतिविधियों तथा मीडिया के माध्यम से नई जानकारी मिलेगी और आपके द्वारा की गई मेहनत के परिणाम भी उचित हासिल होंगे। प्रतिद्वंदी भी आपकी योग्यता के समक्ष परास्त होंगे। नौकरी पेशे लोग ध्यान रखें कि कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में कुछ गलती हो सकती है। अपने कार्यों को आसानी से पूरा करेंगे। वाणी में मधुरता रहेगी, इस कारण अपने मित्रों रिश्तेदारों से संबंधों में प्रेम बना रहेगा। आज आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, ख्याल रखें। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य के मामले में काफी सख्त दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। आपको अब इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अपने खान पान में कुछ परिवर्तन किया है तो आपको आज इसके कारण अपने स्वास्थ्य में विशेष सुधार दिखाई देगा। इसे आपको अपने स्वास्थ्य वर्धक रूटीन पर बने रहने की प्रेरणा मिलेगी। आप इन अच्छे नतीजों को देखकर अपने शारीरिक व्यायाम को और भी बढ़ाएंगी। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी को सिंगार चढ़ाए शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।